मुख से निकल रहा है कि इतना ऐतिहासिक आंदोलन 1947 के बाद में आज तक इस देश के अंदर नहीं हुआ। इस संघर्ष की काबिलियत है कि एक सुप्त मोर्चा बना है, पंजाब की जथेबंदियां है, बाकी देश की जथेबंदियां है। पहली बार सड़क के ऊपर नजारा है कि 500 से ज्यादा किसान संगठन देश के अलग अलग कोनों के अंदर अलग अलग मुद्दों, अलग अलग फसलों को लेके संघर्ष करने वाले संगठन, जिसमें लाल झंडा है, जिसमें हरा झंडा है, जिसमें पीला झंडा है, जिसमें नीला झंडा है, से अपील कर रहे हैं कि आप जब तक इसमें आके सभा में नहीं बैठेंगे, आपको न वार्तालाप की जानकारियां होंगी, न आपको हमारी रणनीति का पता होगा, न आपको पता होगा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने भी कहा है कि संदाता किसान को लाठी और कौड़ी के बल से नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि ये अनुशासन और चाहे इस बात को लेके लड़ रहे हैं। ये सारी बातों की जानकारी तभी मिलेगी जब हम मंच पे आके सजेंगे, जब हमारे अगवा नेताओं की एक एक बार धैर्य पूर्वक हम सुनेंगे। नमस्कार, मीरा की वार्ता में आपका स्वागत है। लगातार किसान आंदोलन जारी है। शाजापुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। हमारे मीरा की वार्ता चैनल देखने वालों का स्वागत है। आज हम किसान नेता गंगानगर के शौकत राम से आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे किस तरह से आंदोलन को रुख दे रहे हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से शाजापुर का माहौल है किसान आंदोलन को, आज 50-51 दिन हो चुके हैं, यहाँ पे किस तरह से आंदोलन चल रहा है? तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जो शाजापुर बॉर्डर के ऊपर पिछले 50 दिन से किसान संघर्ष चल रहा है, और 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के बाद देश के गोडी मीडिया इस प्रचार में लगा हुआ था कि शाजापुर का नाका हट गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आज हजारों की संख्या में इस शाजापुर खेड़ा बॉर्डर के इर्द गिर्द के किसानों ने भी बड़ी संख्या के अंदर भाग लिया है, और उन्होंने हमारे साथ एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए इस बात का विश्वास दिलाया है कि जब तक मोदी सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती, MSP को गारंटी का कानून नहीं बनाती, यहाँ से देश का अन्नदाता किसान है वो नहीं हटे। लगातार प्रदर्शन जारी है, मोदी सरकार भी अभी तक हलचल में नहीं है, 26 जनवरी का भी बहुत बड़ा दिन था, उसके बाद किस तरह से आंदोलन को आप देखते हैं? सरकार ने इस संघर्ष के अंदर जो पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय में देश भर के चारों ओर चल रहा है, उस संघर्ष में सरकार ने बार-बार वार्ता करके और किसान नेताओं को थकाने का काम किया था, लेकिन हमारे संयुक्त मोर्चे की सरकार को 2 टूक थी कि हम इसके अंदर किसी प्रकार के संशोधन को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये तीनों कृषि कानून हैं, ये ए से लेके जेड तक किसान आम जनता के विरोध में है, इसलिए सरकार तुरंत प्रभाव से इनको वापस ले, और जो MSP का सरकार देश भर के अंदर ढिंडोरा पीटती थी, उस MSP के जिस राजस्थान क्षेत्र के अंदर हम रहते हैं, उस राजस्थान के अंदर हम अभी देख रहे थे कि बाजरा के अंदर एक भी कांटा राजस्थान के अंदर नहीं लगा, बिहार के किसान का भी जहां पर 2006 के अंदर APMC एक्ट को ख़त्म किया गया, वहां पर किसान के मक्के की फसल जो 1800 रुपये उसका निर्धारित मूल्य है वो 600 रुपये के अंदर रुल रही है, पंजाब और हरियाणा के अंदर भी लगातार पूरी फसल खरीद को लेके किसान का प्रोटेस्ट चलता है। इसलिए हमारा सरकार को स्पष्ट कहना है कि सरकार तीनों कानूनों को वापस करे, सरकार MSP पे गारंटी कानून बनाए, सरकार किसान की परीक्षा लेना बंद करे। आज मात्र ये बॉर्डर पे जो बैठा हुआ किसान है, यही सिर्फ आंदोलनरत नहीं है, जिस क्षेत्र भारत पाकिस्तान पंजाब के बॉर्डर से हम आते हैं उस क्षेत्र के अंदर भी हजारों की संख्या में कभी किसान ट्रैक्टर लेके अपना रोष मार्च निकालता है। कल जो गांधी जी की पुण्यतिथि थी, हजारों लोगों ने शिरकत की कि हमारे गंगानगर के अंदर किसान उपवास पे बैठे हैं, सरकार तुरंत प्रभाव से इस मांग को माने, अन्यथा देश का अन्नदाता मजबूर होकर चारों ओर से सड़कों को घेरने का काम करेगा।
आंदोलन को चलते हुए लगभग 2 महीने हो चले हैं। यहाँ पे राजस्थान हो, पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, सब जगह से कोई ना कोई सुविधा अपने स्तर पर किसान पहुँचा रहे हैं। तो क्या जिस तरह से जनता के बीच में से ये सवाल आ रहा है कि अगर किसानों को ये सुविधाएं मिलनी बंद हो जाए तो क्या किसान घर चले जाएंगे? पहले दिन से ही आप ये नज़ारा देखोगे कि हमारे शाहजहाँपुर बॉर्डर पर यहाँ पर 5 लंगर हैं, लगातार चल रहे हैं। किसान खुद जो पूरे देश का पेट पालने का काम करता है, 6 महीने के राशन के साथ दिल्ली की तरफ उसने कुछ किया है। सरकार अगर ये समझे, पानी की सप्लाई बंद, बिजली की सप्लाई बंद, और जो लोग हमें लस्सी दूध यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं उनके रास्ते रोके जा रहे हैं, इन हथकंडों से ये आंदोलन साफ कभी असफल नहीं होगा। जिस प्रकार की ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर तैयारियां चल रही है, सरकार प्रचार कर रही थी ये ड्राई फ्रूट खाते हैं, सरकार कहती थी पिज्जा खाते हैं, सरकार कहती थी दिहाड़ी पे आए हुए लोग हैं, और हमने इसी मंच से ऐलान किया है कि सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी सुरक्षा के अंदर सरकार ने जिस फौज को, पुलिस को खड़ा कर रखे हैं, इन्हीं लंगरों से उनके खाने और नाश्ते और चाय का प्रबंध यहाँ से होता है। और सरकार समझ ले कि ये बाबा नानक की फिलोसफी, ये हमारे ग्रामीण भारत की परंपरा, अतिथि देवो भव है। हरियाणा ने ये साबित कर दिया कि ये संघर्ष 2024 तक, जब तक मोदी की जन विरोधी सरकार रहेगी, अगर तब तक ये संघर्ष चला तब तक भी खाने पीने नहाने धोने की व्यवस्थाओं के अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। और नज़दीक के लोग जिस प्रकार अब उमड़े हैं, हमें पूरा यकीन है कि हारना सरकार को पड़ेगा, जनता हर हाल के अंदर जीतेगी। गंगानगर जिले से आप आते हैं, जिस तरह से मोदी सरकार का ये शुरू से कहना है, उनके जो आरएसएस के विंग है वो ये बात फैलाते हैं कि यहाँ पे जो किसान है 10% भी नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किसान कितनी संख्या में है? 26 तारीख का जो प्रदर्शन किसान ने तिरंगे के साथ दिल्ली के अंदर आयोजित करना था, लाखों की संख्या के अंदर किसान दिल्ली के चारों ओर जितने नाके थे उसके ऊपर पहुंचे, लेकिन सरकार की साजिश पूर्ण एक शरारत जिसने हमारे देश के प्रतीकों का अपमान किया गया, सरकार ने और गोदी मीडिया ने पूरी तरीके से लाखों किसानों की तिरंगे के साथ परेड है उसको पूरी तरह छुपाने का प्रयास किया है। इस संघर्ष के अंदर सिर्फ बॉर्डरों के ऊपर नहीं है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि कल ही मथुरा के अंदर 1 लाख के करीब किसान हैं उत्तर प्रदेश में इकट्ठे हुए, उससे पहले मुजफ्फरनगर के अंदर इसी प्रकार की महापंचायत थी, आज एक महापंचायत है उसके समाचार आ रहे हैं कि 50,000 के करीब किसान हैं वो इकट्ठे हुए हैं। हमारे पूरे इलाके के अंदर जब हम देखते हैं कि जब हमने संयुक्त मोर्चा ने कहा कि आपको जनता के अंदर प्रचार लेके जाना है, आप ट्रैक्टर रैलियां आयोजित करिए, एक एक कस्बे के अंदर 1,000 लोग ट्रैक्टर ट्रालियां लेके, और उन्होंने रोष मार्च निकाला है। हमने सरकार से बार बार निवेदन किया है कि सरकार देश की जनभावना को समझे, इस संघर्ष के अंदर इस देश का एक एक बच्चा मात्र किसान नहीं है, वो उपभोक्ता भी है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो खत्म किया जा रहा है, स्टॉक लिमिट है उसको खत्म किया जा रहा है, हर उपभोक्ता जानता है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर ये कॉरपोरेट हाउसेस के हाथ में आएगी, प्राइवेट प्लेयर के हाथ में आएगी, तो इस देश के अंदर कंट्री में एक कमी का माहौल बना के महंगाई है उसको बढ़ाया जाएगा। इसलिए जनता इसके अंदर जुड़ी हुई है। आज भी आप देखेंगे गाजीपुर में, आप देखेंगे सिंगू में, टिकरी के अंदर जो पहले भीड़ थी उससे दुगुनी भीड़ होगी, लेकिन नेटवर्क को बंद करके मोदी सरकार ये चाह रही है कि इस नेटवर्क के इशारे के ऊपर बंद करके हम आंदोलन को बंद कर लेंगे, ये सरकार के हथकंडे हैं, असफल प्रयास है, किसान का संघर्ष इससे रुकने वाला नहीं है। मोदी सरकार ने जिस तरह से GST को लेके आई थी, उसके बाद नोटबंदी भी हुई है उससे पहले, तो अभी जो कृषि कानून आए थे उसको लेके भी ये बात हुई थी कि किसानों से बात की गई थी, तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसे सर्वे हुआ था? सरकार देश की जनता को बार बार गुमराह कर रही है। नोटबंदी के समय भी प्रधानमंत्री जी ये दलील दे रहे थे कि अगर नोटबंदी की जो मेरी मंशा है अगर वो सही साबित नहीं हुई तो मुझे किसी चौराहे के ऊपर आप सार्वजनिक रूप से सजा दे देना। GST के समय भी ये ढिंढोरा पिटा गया,
आज जब तीनों कृषि कानून लेके आए हैं, लॉकडाउन के अंदर पूरी दुनिया जब कोरोना से त्रस्ती, पूरी दुनिया वैक्सीन के ऊपर काम कर रही थी, तो हमारी मोदी सरकार ने जिस प्रकार हमारे रेलवे, हमारे हवाई अड्डे, हमारे कोयले खदान, हमारे देश की तमाम सार्वजनिक संपदाओं को जो प्राइवेट प्लेयर के हाथों में दिया जा रहा था, कॉरपोरेट को दिया जा रहा था, उसी प्रकार कृषि उपज और उसके व्यापार को लेकर ये तीन कानून लाई और खेती जो हमारे देश की थी उन प्लेयर को सौंपने की कुचेष्टा की है। कोई भी, हमारा बार बार ये आरोप है कि आज तक किसी भी किसान नेता ने और यहां तक कि आरएसएस से जुड़े हुए भारतीय किसान संघ ने भी ऐसे कानूनों की मांग नहीं की। आज जब इस कानूनों के विरोध के अंदर जब जनता सड़क पे उतर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, उसकी आईटी सेल, गोदी मीडिया, इनके गठजोड़ ने किसान के आंदोलन को बदनाम करने के लिए, राष्ट्र ध्वज के अपमान का सहारा लेके, जिसकी हम किसान नेताओं ने निंदा की फहराने वाला भारतीय जनता पार्टी का वर्कर रहा है। सरकार दीप सिद्धू पे कार्रवाई करे, इसकी जांच करे, इसके पीछे दोषी कौन है। लाल किला जिसके ऊपर सामान्य दिनों के अंदर 3 लेयर की वो व्यवस्था रहती है, उस दिन वहाँ पर कम पुलिसकर्मी क्यों थे, क्यों रैली स्टार्ट होने से पहले ही उनको रास्ता मुहैया कराया गया कि वो लाल किले पे जाके धर्म विशेष के झंडे को वहाँ पर फहरा देते हैं। सरकार इस मौके की तलाश में थी। आप याद करेंगे निशा जी, पहले दिन जब 26 तारीख को हम यहाँ पर आए थे तो क्या बोला गया कि देश का किसान संतुष्ट है, पंजाब के अंदर जिसके पीछे आड़ती है, पंजाब का किसान अराजकता फैला रहा है, ये पंजाब का संघर्ष है, ये खालिस्तान का संघर्ष है। जब राजस्थान साजापुर मोर्चा खुल गया तो जब हमें खालिस्तानी नहीं बोल सकते तो हमारे लिए अल्ट्रा लेफ्ट का शब्द इस्तेमाल किया, माओवादियों का शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन पहला संघर्ष ऐसा हमने जीवन के अंदर देखा है कि जिस संघर्ष में किसान और किसान नेता लगातार शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन में लगातार सरकार प्रायोजित हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। आप आज ही साजापुर बॉर्डर पर देखेंगे कि किस प्रकार कुछ लोगों को जो आरएसएस का कैडर है उसको तैयार करके सभाओं के अंदर व्यवधान पैदा किया जा रहा है। गाजीपुर के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक 300 गुंडों को लेके सभा को घेर लेते हैं, पुलिस मुखदर्शक रहती है। सिंघू बॉर्डर जिसके बीच में खाइयां खोद दी गई, किसी आदमी का आना जाना बंद है, लेकिन 100 आरएसएस के आदमी हाथ में तलवार डंडा रोड लेके जा सकते हैं, किसान के ऊपर पत्थर बरसा सकते हैं। वो तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि भाजपा ने जब जब ओछे हथकंडे अपनाने की कोशिश की है, नीच हरकत करने की कोशिश की है, वैसे ही इस किसान आंदोलन के अंदर एक निखार आया है। आज साजापुर बॉर्डर पे हमें खुशी है कि जब एक तरफ आरएसएस प्रायोजित लोग इकट्ठे होकर व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को पता लगा, आसपास के किसान को पता लगा कि व्यवधान पैदा किया जाएगा, 1000 से ज्यादा संख्या के अंदर किसान नौजवान आया और आके अभी सभा के अंदर सजा हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार ने सब कोर्ट का इस्तेमाल करके देख लिया, सरकार ने मशीनरी का इस्तेमाल करके देख लिया, पत्रकारों को, स्वतंत्र पत्रकारों को, एक तरफ जो गोदी मीडिया के पत्रकार भड़का रहे हैं, मुनेश पुनिया जैसे लोग जो लगातार आपकी तरह ही किसान के टेंट में बैठ के कवरेज करते हैं, किसान के हालचाल है वो जनता के सामने रखते हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हम निंदा करते हैं और हम सरकार से कहते हैं ऊंची हरकतें बंद करें, किसान के सामने झुकना पड़ेगा और झुकना ही नहीं। हमने ये कहा कि हम कोई देश का अन्नदाता किसान आया है, इसका एजेंडा राजनीतिक नहीं है, ये खेती को, फसल को, नस्ल को बचाने का सवाल है, देश के लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। आप इनकी बात मानिए, हम हमारी जिंदाबाद करके घर को चले जाएंगे, अन्यथा सरकार एक बहुत बड़ी भूल कर रही है। ये भूल सत्ता के नशे में 1975 के अंदर इस देश के अंदर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी कि जब इस देश में जेपी के नेतृत्व में लोग जन सवालों को लेके सड़कों पे आए थे, तो मैडम इंदिरा को ये था कि मैं मशीनरी से एमरजेंसी घोषित करके किसान की आवाज़ को दबा दूंगी। लेकिन उस उफान को याद करिए कि 77 के चुनाव के अंदर खुद इंदिरा जी चुनाव हार जाती है। आज मोदी जी अगर 300 से ऊपर सीटों के नशे में ये समझते हैं कि मैं बेलगाम घोड़े की तरह जनता को रोता जाऊंगा,
ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, जनता की बात को मानना पड़ेगा, किसान की आवाज को सुनना पड़ेगा। हरियाणा के जो किसान अभी इस तरह से उत्पाद मचाते हैं, हर बॉर्डर तक पहुंच रहे, क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों से जो किसान आंदोलन है वो कमजोर हो सकता है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का मैं बार बार ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये ओछा हथकंडा है। पहली बार एक ऐसे किसान आंदोलन इस देश के अंदर हुआ है जिसमें पूरी दुनिया ने, अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, सभी जगह किसानों ने वहाँ शांतिपूर्वक मार्च निकाल के इस किसान आंदोलन का समर्थन किया कि किस प्रकार 80 साल के बुजुर्ग, किस प्रकार से बहन बेटियाँ, किस प्रकार से नौजवान दोस्त शांतिपूर्ण तरीके से, 2 महीने से ऊपर समय हो गया, लेकिन अभी सरकार के इशारे के ऊपर गोदी मीडिया ऐसे क्लिप जारी कर रहा है जिसमें साजिश है कि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए, और सरकार के इशारे पे जब ये बदनाम करने की 27 तारीख से कोशिश की तो देश की जनता ने उनके हथकंडे को बेनकाब कर दिया। जिस गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर राकेश टिकैत किसान नेता को घेर कर वहां पर गड़बड़ी करने की कोशिश की, आज आप गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर देखिए, हजारों हजार की संख्या के अंदर किसान चल के वहां पर गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर सुरक्षा कवच बन के वहां पर खड़ा। हरियाणा की खट्टर सरकार ने जो टोल के ऊपर धरने चल रहे थे, वाकायदा वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल खड़े करके उनको डराने की कोशिश की, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जो महिला घर के अंदर घूंघट के अंदर रहती है वो महिला किसान के सम्मान को बचाने के लिए आज दिल्ली टिकरी बॉर्डर सड़क के ऊपर खड़ी है। जो नौजवान किसान अपने खेत के अंदर काम धंधे के अंदर लगे हुए थे वो सारे कुछ छोड़ के शंगू टिकरी के ऊपर पहुंच चुके हैं, और आज बावल 84 ये हमारे सांझापुर के नजदीक का इलाका है, यहां आके किसान ने इस बात का प्रदर्शन किया है कि किसान को बदनाम करना सरकार बंद करे, और जो सरकार के चैनल हैं वो इस प्रकार की समाज के अंदर अराजकता पैदा कर रहे हैं, इस प्रकार के भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं जैसे ये किसान नहीं। और हमें बड़ा अफसोस हो रहा है इस बात का कि आज देश के अन्नदाता किसान को हाथ में तिरंगा लेके ये साबित करने की जरूरत है कि वो देशभक्त है। अरे जिस किसान का बेटा सीमा के ऊपर देश के दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी करता है, आज उसी जवान का बाप सड़क के ऊपर है कि मेरी खेती किसी कीमत के ऊपर मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। सरकार प्रायोजित हिंसा, सरकार प्रायोजित दुष्प्रचार है जिसमें हम किसी कीमत के ऊपर देश का अन्नदाता किसान और देश का जवान है सरकार के इन हथकंडों को कामयाब नहीं होंगे। किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए आप एक मैसेज दीजिए जो आपके गंगानगर क्षेत्र है कि किस तरह से आज भी अभी भी उनको जरूरत है, अगर आज नहीं आए तो कभी आगे आने वाला इतना आंदोलन कभी उमड़ नहीं पाएगा, तो किस तरह से आप उनको बुलाना चाहते हैं? किसान मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आज ये संघर्ष और जंग इस मुकाम के ऊपर पहुँच चुकी है जब देश के कॉरपोरेट हाउसेस, देश की पूंजीवादी ये सरकार, देश के गोदी मीडिया चारों तरफ से इस संघर्ष को घेर रहे हैं। हमारे पास रास्ता एक है कि या तो जिस प्रकार सरकारों की नीतियों से परेशान देश का अन्नदाता किसान कर्जे से तंग आके अपनी जान की कुर्बानी कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, और दूसरा रास्ता है कि हम संघर्ष के रास्ते पे चल के नीतियां खेती किसानी आम जनता के पक्ष में बनाएं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज जरूरत है, जो भी आपके नजदीक मोर्चा है आप वक्त निकाल के उस मोर्चे के ऊपर पहुंच जाइए। अगर इस बार देश का अन्नदाता किसान हार गया क्योंकि ये सरकार इसी प्रकार के हथकंडे करके, चाहे वो हमारे देश के हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जेएनयू के स्टूडेंट थे, चाहे उसके बाद हमारी माताओं बहनों ने सीए के खिलाफ जो शाहीनबाग में संघर्ष चलाया, और चाहे आज देश का अन्नदाता किसान संघर्ष चला रहा है, अगर सरकार ऊंचे हथकंडे चला के इसके अंदर कामयाब हो गई, इस देश के अंदर दोबारा इस बेलगामे घोड़े को रोका नहीं जाएगा। सरकार की नीतियां
इस सारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र को जो 70 साल की अथाह मेहनत से हमने रेलवे, हवाई अड्डे, हमारे हॉस्पिटल, हमारे स्कूल जो खड़े किए थे, धड़ाधड़ पूंजीपतियों को सौंपे जा रहे हैं। इसलिए रास्ता एक है, वो है संघर्ष। और आप सभी का धर्म बनता है कि गांव गांव के अंदर तैयारी करके ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर इस सांझापुर बॉर्डर के नाके पे पहुंच जाइए। जिस दिन घर से एक बंदा निकल गया, जिस दिन गांव से 10 ट्रालियां हर घर से एक बंदा निकल गया, सरकार को घुटनों के बल आना पड़ेगा और नाक रगड़ के देश के अन्नदाता किसान की बात माननी पड़ेगी। हम आपके इंतजार में हैं। मैं पूरे संयुक्त मोर्चा की तरफ से हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द यहां पर आइए और सरकार के खिलाफ इस धर्म युद्ध के अंदर आप शामिल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे किसान नेता गंगानगर जिले से, लगातार शाजापुर बॉर्डर पर जुड़े हुए हैं और किसानों में जागरूकता का उन्होंने संदेश दिया और किसान विरोधी जो तीनों काले कानून हैं उनका विरोध करते हुए यहाँ शाजापुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं।